हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल। वेलकम बैक टू माय चैनल स्नेहम ब्लॉग्स। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। और आज है वट सावित्री, तो मैंने सोचा कि वट सावित्री का भी मैं ब्लॉग बना लेती हूँ और आप लोगों के संग शेयर करूँगी कि कैसे मैंने दुबई में वट सावित्री सेलिब्रेट किया। क्योंकि यहाँ पे थोड़ी सी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, यानी कि आपको सब चीज़ें अपने होम कंट्री के जैसे नहीं मिल पाती हैं, तो लिमिटेड चीज़ें हैं। उन लिमिटेड चीज़ों से ही मैं इस व्रत को इस बार कम्प्लीट कर रही हूँ। नेक्स्ट टाइम आई विल कीप इन माइंड कि जो चीज़ मैं कुछ चीज़ें इंडिया से यहाँ लेके आ सकूँ। इस बार मैं कुछ चीज़ें भूल गई, हालाँकि मैंने कुछ चीज़ें अपनी मम्मी से कह के मंगवाई, लेकिन फिर भी स्टिल मैं कुछ कुछ भूल गई हूँ। तो मैं चलिए ब्लॉग को यहीं से शुरू करते हैं और दिखाती हूँ मैं आपको कि मैंने क्या प्रिपेयर किया है और मैं क्या पहनने वाली हूँ आज फॉर माय व्रत। तो चलिए चलते हैं। तो गाइस, सबसे पहले हम चलते हैं और मंदिर के बर्तनों को साफ़ कर लेते हैं। पूजा के जो बर्तन हैं उनको हम साफ़ कर लेंगे। तो उसके लिए हमने सारे बर्तन मंदिर से इकट्ठा कर लिए हैं और उसके बाद उसको साफ़ करने की बारी आई। तो मैं यूज़ करती हूँ पीताम्बरी। तो पीताम्बरी जो है वो बहुत अच्छा पाउडर होता है बर्तनों को साफ़ करने के लिए, और आप इसको ना ड्राई करके ही साफ़ कर सकते हैं। मतलब धीरे धीरे हाथ से आप इसको मलते रहिए, तो रगड़ते रहिए, तो ये साफ़ हो जाता है। थोड़ा बहुत स्कॉच ब्राइट यूज़ करने की ज़रूरत पड़ेगी तो वो कर लेंगे। और इस तरह से देखिए, मैंने बर्तन अपने जो क्लीन कर लिए हैं और इनको अब मैं क्लीन करके एक साइड में एक प्लेट में रख लेती हूँ या ट्रे में रख लेते हैं, तो जिससे कि हम उसके बाद सारे बर्तन साफ़ करने के बाद इनको सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि हम इनको पोंछ लें। जैसे ही आपने धोए हैं तो साथ के साथ आप इसको पोंछ के रख लें, क्योंकि नहीं तो जो पानी के छोटे छोटे छींटे इस पर रह जाते हैं उसके दाग बन जाते हैं ब्लैक कलर के। तो हम इसलिए इसको जल्दी से ही हम उसको पोंछ के रख देंगे सो दैट वो साफ़ रहें। और अगर कहीं पर आपको लग रहा है कि थोड़ा फिर भी ज़्यादा गंदे हैं, तो उसमें के लिए आप नींबू यूज़ कर सकते हैं। और देखिए, बर्तन मेरे हो गए चमकदार। और उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बाकी तैयारी। तो गाइज़, ये सब सामान मैंने प्रिपेयर कर लिया है आज के लिए। तो मैं सबसे पहले आपको दिखाती हूँ कि इसमें क्या है। तो ये है सुहाग पिटारी, जो कि ये भगवान को चढ़ाई जाती है। और हमारे यहाँ ये डोर होती है जो कि गले में बांधी जाती है। तो आफ्टर पूजा करने के बाद मैं इसको अपने गले में बांध लूँगी। और बाकी सब ये चीज़ें जो हैं वो दान की होती हैं, तो ये सब चीज़ें दान कर देंगे। अब बरगद का पेड़ तो यहाँ है नहीं है, तो मैं उसको निमित्त मान के यहीं पर बुक के चारों ओर या गणेश जी के चारों ओर उसको बांध दूँगी। तो ये तो हो गई मेरी उसकी थाली। उसके बाद आगे चलते हैं। तो ये है मेरी साड़ी जो कि मैं आज पहनने वाली हूँ, और ये मैं बना के ले आई थी पहले ही। तो कुछ चीज़ें तो मैं कर लिया, लेकिन कुछ चीज़ें भूल गई। तो सबसे इम्पॉर्टेंट गाइज, मैं वट सावित्री व्रत की कथा, मुझे लगा कि मैं बुक लेके आ गई हूँ, लेकिन मैं बुक भूल आई वहीं, और बुक इस बार मैं मंगाना भी भूल गई। तो कोई बात नहीं है, मैं नेक्स्ट टाइम खैर कर लूँगी। अभी मैं नेट से ही पढ़ लूँगी उसको। ये है हमारा यहाँ का कुमाऊनी दुपट्टा, यानी कि पिछौड़ा, जो कि हमारे यहाँ हर पूजा में ओढ़ा जाता है, तो आप लोग जैसे कि जानते ही होंगे। और बाकी ये सब चीज़ें हैं, तो इनको मैं आपको अनबॉक्स करके एक एक करके दिखाती हूँ कि क्या क्या है। और अभी इसमें चॉइसेस रखी हैं मैंने, तो देखते हैं कि मैं क्या पहनूंगी। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। इसमें दिखाती हूँ कि क्या क्या है। तो इसमें सबसे पहले है ये नेल पेंट, ठीक है, जो कि मैंने लगाई हुई है और आधी चली गई है क्योंकि बर्तन वर्तन धोने में निकल गई। कोई बात नहीं, देखेंगे अगर टाइम मिला तो मैं दोबारा से लगा लूँगी, अगर नहीं मिला तो कोई बात नहीं है। और ये है बिंदी का पैकेट, तो दो है मेरे पास, एक ये है और एक ये है, जो कि मैंने इसी की एक कभी लगाई भी है। उसके साथ हैं ये मेरे बैंगल्स, जो कि मेरी साड़ी से मैच करते हैं। आप लोग बताइए कि कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद मेरे पास है ये क्लिप्स, अगर मैंने जूड़ा बनाया। वैसे मैं जूड़ा पर्सन हूँ नहीं, तो मुश्किल ही है कि मैं जूड़ा बनाऊँ। और अब मेरे पास ना ये दो एयरिंग्स, ये मतलब एक एयरिंग ये है जिसमें कि मुझे इसके साथ मिला है ये कनौती भी है, मतलब देखिए दिस वे आई कैन वेयर इट लाइक दिस। तो मेरा आज इसको ही पहनने का मन है वैसे, लेकिन लेट्स सी कि मैं ये पहन पाऊँगी कि नहीं। तो ये है एक, और एक इयररिंग्स है ये, ये भी अच्छे हैं गाइस, जैसे मैं ये भी पहन सकती हूँ, दोनों ही ठीक है। तो उसके बाद
ये है मेरे पास एक गले का सेट, तो ये टेंपल ज्वेलरी होती है ना, तो ये वही है, आपको मैं दिखाती हूँ नज़दीक से। ओह माय गॉड, ये ना बीच बीच में लॉक्स होते हैं तो ये वैसा हो जाता है, थोड़ा सा अजीब सा। ये देखिए, दिख रहा है ना आप लोगों को? हाँ, तो ये है ये नेक पीस, तो अच्छा लगेगा ये मेरे ख्याल से। तो दिस इज़ वन। उसके बाद मैं दिखाती हूँ आपको कुमाऊनी ट्रेडिशनल जो ज्वेलरी होती है। अभी आपका आपने देखा होगा नेहा कक्कर का जो नया गाना आया सोन चढ़ी, तो उसमें आपने ये बांधे हुए उसको देखा होगा। तो एक मैंने सोचा है कि एक लुक मैं ऐसा क्रिएट करूँगी, तो मैं ये इसमें पहनने की सोच रही हूँ। और एक तो ये तो खैर ट्रेडिशनल सबके पास होता है, तो एक ये है मेरे पास सेट। और गाइस मैं आप लोगों को बता दूं कि ये ना ओरिजिनल नहीं है, बिकॉज मैं यहाँ ओरिजिनल इतना कैरी करके नहीं लेके आई हूँ, तो ये सब अभी इस वक्त फ़िलहाल के लिए आर्टिफिशियल ही है। और ये है हमारे यहाँ की फेमस, जो कि वर्ल्ड फेमस है आई गेस, कुमाऊनी एंड हिमाचली जो नथ होती है, दैट इज़ वर्ल्ड फेमस। तो ये है एक नथ, तो इसको अगर मैं ट्रेडिशनल लुक क्रिएट करूँगी ना, तो मैं कोशिश करूँगी इसको पहनने का, लेकिन देखती हूँ मैं कितनी उसमें सफल होती हूँ, कुछ कह नहीं सकते हैं। और ये मांटी का है इसके साथ के लिए ही। कैसा लग रहा है आप लोग बताइएगा, अच्छा लग रहा है ना? कभी कभी ट्रेडिशनली भी तैयार होना बहुत अच्छा लगता है। तो ये हो गया। उसके साथ साथ ना इस बार मम्मी गई थी पिथौरागढ़ उत्तराखंड में, कि मेरे चाचा के बेटे की शादी थी, तब वहाँ से मम्मी ये लेके आई हैं। और ये बहुत सुंदर है इयर रिंग्स है ये झुमके। तो या तो मैं ट्रेडिशनल लुक इससे क्रिएट करूँगी, या फिर मैं ट्रेडिशनल लुक उससे क्रिएट करूँगी, अब देखते हैं कि क्या करती हूँ। और ये इसके साथ का एक चोकर है ऐसे, अच्छा लग रहा है। तो यही सब है इसमें जो मेन ज्वेलरी में था। उसके साथ अभी मैं पहनूंगी पायल। तो आज क्योंकि कहते हैं ना कि 16 श्रृंगार करने चाहिए, तो उस 16 श्रृंगार में से मेरा एक श्रृंगार तो नहीं हो पाया मेहंदी वाला, क्योंकि यहाँ मेहंदी लगाने में बड़ी दिक्कत हो गई थी, मैं मतलब लगवाने नहीं जा पाई। और ख़ुद से मैंने सोचा था कि मैं लगाऊंगी, लेकिन ड्यू टू सम रीजंस वो नहीं हो पाया पॉसिबल। तो ये देखिए, ये मेरी पायल है, अच्छी है ना, मुझे बहुत अच्छी लगती है ये पायल। तो ये मेरी पायल है, और मैं आपको दिखाती हूँ मेरी बिछिया भी है, आज नई है मेरे पास बिछिया, तो मेरी मम्मी ने मुझे ली थी अभी लास्ट टाइम जब मैं घर गई थी तब। लेट मी ओपन इट शो यू, ये है। एक्चुअली मैं बहुत बड़ी पायल नहीं पहनती हूँ, मतलब बहुत बड़ी बिछिया नहीं पहनती, मैं छोटी पहनती हूँ, क्योंकि मैं शूज़ पहनते हैं ना, तो शूज़ में वो चुभती हैं, आप लोगों को चुभती हैं कि नहीं आप बताइएगा। तो मैं इसलिए बहुत बड़ी प्रेफर नहीं करती हूँ, और मुझे पसंद है ज़्यादातर जो ऑक्सीडाइज्ड होती है ना वैसी, तो थोड़ा वैसा लुक होगा, क्योंकि वैसे ही सिल्वर जो है वो काला पड़ जाता है, तो अगर ऑक्सीडाइज ले लो तो इतना फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये है, आपको दिख पा रही हैं, आई गेस दिख पा रही हैं, तो या तो मैं ये पहनूंगी, एक तो मेरे पास ये है, वैसे मैंने सोचा यही है क्योंकि ट्रेडिशनल में यही जाता है, और दूसरी भी मैं आप लोगों को शो करती हूँ। ये है एवेलाई वाली, ये देखिए बहुत सुंदर है, ये भी एवेलाई वाली है, ये तो आप वेस्टर्न पे भी आराम से कैरी कर सकते हैं अगर वेस्टर्न पहनते हैं तो। आज लेकिन मैं वो वाली पहनने की सोच रही हूँ। तो यही सब है गाइस मेरे पास, और मेरे पास ये है, मेरे बैंगल्स हैं इसके साथ के, चूड़े हैं, चूड़ा है मतलब चूड़ियाँ, कड़े हैं, सॉरी कड़े हैं। और ये है मेरी नोज रिंग, ये देखिए अभी मैं पहन लूँगी तो आप लोगों को लुक समझ में आएगा। तो मैंने आपको ये सब दिखा दिया है जो कि मेरे पास अभी है आज की तैयारी के लिए, मतलब जो भी छोटा मोटा था मेरे पास, वो दैट आई हैव शोन यू। तो एक बार मैं आपको खुला हुआ दिखा देती हूँ कि कैसा लग रहा है, फैला दिया मैंने पूरा। तो गाइज ये सारा है जो मैंने ऐसे फैला दिया है, अब मैं इसमें से जो भी मुझे पहनने के बाद अच्छा लगेगा वो पहन के रेडी हो जाऊंगी, और फिर मैं आप लोगों को अपना लुक दिखाऊंगी।
तो क्योंकि बहुत अब हो गया, यहाँ भी टाइम 12:30 हो गया है, तो इंडिया में तो सबकी पूजा हो गई है क्योंकि वहाँ यहाँ से 1.5 घंटे का टाइम डिफरेंस है, तो सबने पूजा कर ली है। तो मेरी अभी पूजा, आई एम थिंकिंग कि मैं भी जल्दी से रेडी हो जाऊँ और जल्दी से पूजा कर लूँ, उसके बाद अपनी सिस्टर्स को फ़ोन करूँगी। मैंने अभी अपनी जिठानी से मैसेज पे पूछा था, तो उनकी अभी पूजा रहती थी, वो कह रही थी कि वो लंच बना रही है उसके बाद पूजा करेंगी। और अपनी सिस्टर से पूछा तो मेरी दोनों सिस्टर्स की पूजा हो गई है, तो मैसेज के थ्रू तो मुझे इन्फॉर्मेशन मिल गई है कि वहाँ पूजा हो गई है। तो मैं सोचूँगी ठीक है, फिर मैं भी फटाफट से पूजा कर लेती हूँ और पूजा कर लूँ। पूजा करते हुए मैं आप लोगों को मिलूँगी, बहुत ज़्यादा शूट नहीं कर पाऊँगी उस टाइम पे क्योंकि घर में कोई और है नहीं है, मैं अकेली हूँ, तो मुझे कैमरा और दोनों चीज़ हैंडल करना पड़ेगा। तो एक बार पूजा करने बैठूंगी तो फिर कैमरा देखना थोड़ा पॉसिबल नहीं हो पाता है। जो सेटिंग करके मैं अगर चल पाया जितना, तो उसे फास्ट फॉरवर्ड में आप लोगों को शो कर दूंगी। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में। तो गाइज़ अब मैं हो गई हूँ रेडी, आप देख सकते हैं, और बहुत ज़्यादा मैंने कुछ नहीं किया है, बस पहले मैंने लुक क्रिएट करने का सोचा था, लेकिन अब बहुत लेट हो रहा है। अगर बाद में मुझे टाइम मिला तो मैं पूरा कंप्लीट लुक क्रिएट करूँगी। अभी पहले फटाक से पूजा कर लेते हैं क्योंकि फिर मेरी बेटी के भी घर आने का टाइम हो रहा है। तो मैं एक बार आपको अपना कंप्लीट लुक दिखा देती हूँ। अभी बस इसमें पिछौड़ा ओढ़ना बाकी है, तो पिछौड़ा ओढ़ के फिर मैं पूजा कर लूँगी और उसके बाद मैं फिर शूट कर पाई कुछ तो शूट करूँगी, और नहीं शूट कर पाई तो आज का व्लॉग यहीं पर एंड कर दूँगी। अब हो गई है मेरी पूजा कंप्लीट, और ये रहा मेरा उत्तराखंडी लुक जो कि हमारे यहाँ का ट्रेडिशनल लुक है, जो मैंने अपने पास जो भी चीज़ें अवेलेबल थी उससे क्रिएट किया है। आई होप कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। अब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, कीप वॉचिंग।